समझ में नहीं आ रहा। दूसरा यार अंडा मैं तो कह रहा हूँ चेक कर लो, इसको अभी करते हैं बाहर, तुम फोड़ दो या कुछ करो, देखो उसमें से यार बच्चे ने देखे ही होंगे। उन्होंने गाइस एक अंडा दे दिया था आज सुबह ही, मैं शाम को वीडियो शूट कर रहा हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? आई होप के भाई आप सही भाई ठीक होगे और खैरियत से होगे। तो गाइस आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि गाइस भाई काफ़ी टाइम से भाई बहुत सारे भाई मतलब जब से लॉफ्ट बना है उसके बाद से काफ़ी भाई बोल रहे थे कमेंट्स में, न्यू लॉफ्ट कब बनाओगे, न्यू लॉफ्ट कब बनाओगे। और मैंने भाई बोला था कि भाई जब हमारे घर पे छत बनेगी, मतलब जब नया घर बनेगा उस पर छत बनेगी जब बनाएंगे। लेकिन गाइस एक साल से ज़्यादा हो गई भाई, मैं क्या करूँ, मैं तो भाई घर बना नहीं सकता, कुछ रीज़न थे उसकी वजह से यार थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हुई। तो हमने गाइस फाइनली जाके सोचा कि भाई क्यों ना यार अब वेट किया जाए, ख़त्म जो है गाइस उधर ही अपन को करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अपन सोचते हैं कि यार जब ये होगा जब ये करूँगा तो अपन गाइस कुछ भी नहीं कर सकते। पर हमने और भाई ने मिलकर सोचा है, जैसे कि गाइस आपको ये साफ़ सुथरी जगह दिख रही है, यहाँ आपने पेड़ लगे देखे होंगे, बस कुछ पेड़ इधर कर दिए कुछ पेड़ उधर कर दिए, ठीक है भाई। तो हमने सोचा यार क्यों ना लॉफ्ट को एक्सपेंड किया जाए, मतलब ये गाइस ये अपना लॉफ्ट था भाई शायद 4 फीट का था ऐसे या 5 था, और ऐसे में शायद 5 या 6 ऐसे था, हमें ध्यान नहीं है, ठीक है। तो मैंने गाइस इस दीवार से लेके यहाँ तक का सोच के रखा है। तो अभी गाइस मैं आपको वीडियो में सभी कुछ बताऊंगा। सबसे पहले तो यार अपन कबूतरों को गाइस खोल देते हैं, और आप देखोगे यार बल्ब आज लाइट भी बदल दी है, उसका रीज़न ये कि यार ये वाले बल्ब में थोड़ी सी मतलब गर्मी रहती है, तो इसलिए गाइस मैंने ये वाला बल्ब लगाया है। रोशनी कम है लेकिन उससे है ना, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं। बाकी सभी कबूतरों को यार खोल देते हैं। आज कबूतरों को भी यार नई जगह देखने को मिलेगी। और जो लोग भाई ब्लॉग मेरा ब्लॉग चैनल सब्सक्राइब कर रखें उनने भाई ये चीज़ पहले ही देख ली होगी, उसमें तो मैंने सभी कुछ हटाते हुए भी बताया था। और जो नई मुर्गी लाया हूँ गाइस मैं अपने कड़कनाथ के लिए, जो कि भाई उसके अंदर बंद है, तो गाइस वो भी मैंने अपने ब्लॉगिंग चैनल पर बताई है। ये देखो तभी तो देखेगी नहीं, वो ब्लैक है फुल कड़कनाथ, तो वो तो देखेगी नहीं, व्लॉगिंग चैनल पे अच्छे से बताइए तो आप लोग जाओ तो गाइस वहाँ जाके देख सकते हो। बाकी देख सकते हो धीरे धीरे यार सभी कबूतर बाहर आ रहे हैं। आ जाओ। और गाइस उसी के साथ यार चूज़ों को भी खोल लेते हैं। इसकी लाइट क्यों बंद की चूज़ों की? अच्छा बस चूज़े भी यार सुबह से बाहर आने को बेताब है, देखना खुद ही आ जाएंगे वो भी। आ जाओ। तो भाई ये आ चुके हैं यार अपने चूज़े, ये देखो माशाल्लाह से आज 17 या 18 दिन इनको कंप्लीट हो चुके हैं, और अब भाई ये बिल्कुल उड़ने लगे हैं बोले तो खुद उड़ के चले आएंगे। इनको मैं इनकी नई आज नई जगह पे छोड़ता हूँ, शायद इनको इनका कुछ खाना वगैरह मिल जाए। चलो नहीं जाना, चलो मत जाओ। तो भाई देख सकते हो यार सभी कबूतर खुल चुके हैं, और बाकी दाना वगैरह भी अभी इनको करेंगे। और ये रहे अपने गाइस चूज़े, और ये गिरे बार बच्चा अभी देखना आज उड़ के आएगा। आ जा, ये देख सकते हो तो ये भी गाइस आ चुका है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको लॉफ्ट अपडेट दे देता हूँ, बाकी दाना वगैरह अपन करेंगे। उसी के साथ गाइस मैं आपको नए लॉफ्ट के बारे में भी कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ बताना है अभी, बहुत कुछ डिसाइड भी करना है। तो सबसे पहले तो गाइस अपन चलते हैं लॉफ्ट के अंदर, और अपनी लखा जो है गाइस वो 2 अंडों पर बैठी हुई है, आपको पता ही है। और ये गाइस सरप्राइज हो चुका है, मतलब गुड न्यूज़ है, आप गुड न्यूज़ बोल लो, क्योंकि सिल्वर और पिंक है मेरे शिराजी, आपने देखे ही होंगे। उन्होंने गाइस एक अंडा दे दिया था आज सुबह ही, मैं शाम को वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो देख सकते हो भाई एक गुड न्यूज़ है। अब देखते हैं भाई ये दूसरा अंडा कब देंगे। और इनके अंडे में से यार अब तक बच्चे निकल जाने चाहिए थे, देख सकते हो अभी तक के यार इनके बच्चे नहीं निकल आए, पता नहीं कब तक निकलेंगे ब्लैक शिराजियों के, जो कि मैं येल्लो से पलवा रहा हूँ, ठीक है भाई। और ये देखो क्यों ये मुखी बच्चा बाहर क्यों है यार, इसने अलग कर दिया भाई, ये मेरे समझ से बाहर है यार ये मुखी बच्चे को। गाइस इसने मेल ने मेल है फीमेल है ये, देखना ये अलग बैठा हुआ है, ये अंदर घरों से आ गया यार, उसको लेना चाहिए ना, ऐसे बाहर कबूतर थोड़ी करता है। तो गाइस भाई पता नहीं क्या हुआ है, इसने खुद किया है या खुद आ गया है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। दूसरा यार अंडा मैं तो कह रहा हूँ चेक कर लो, इसको अभी करते हैं बाहर, तुम फोड़ दो या कुछ करो, देखो उसमें से यार बच्चा निकल रहा है नहीं निकल रहा, देखना क्रैक तो है यार अंडा। तो गाइस सबसे पहले तो यार मुझे लग रहा है भाई शायद बच्चा ठस के मर गया होगा, ऐसा लग रहा है, बाकी देखते हैं शायद बच्चा निकल जाए, आराम से छीलना। तो भाई चलिए यार चेक करते हैं इसके अंदर कुछ निकलता है नहीं निकलता, आराम से हिला है, देखना नहीं हिला, मुझे लगता है भाई मर गया बच्चा, नहीं हिला ना, अरे यार।
तो गाइस जो हमारा भाई ब्लैक मुखी बच्चा था वो मर चुका है। हटा दो भाई, हटा दो, अजीब से ही लग रहा है। बाहर जाके एक बार और चेक कर लो, मैं दिखा नहीं सकता ना, मैं भाई खुद देख सकता, लेकिन यार मेरे समझ में ये नहीं आई। इसकी तो आंखें भी खुल चुकी हैं यार, ये देखना इसको क्यों ब्लैक मुखी ने अपने दड़बे से बाहर फेंक दिया था, ये मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो अभी तो यार इसको बैठा रहने देते हैं, शायद इसकी फीमेल बैठ जाए। और येल्लो शिराजी बच्चा भी यार माशाल्लाह से एक नंबर हो रहा है, ये देख सकते हो बहुत ही प्यारी मार्किंग आई है। फेदरिंग भी यार माशाल्लाह बहुत प्यारी आई है इसकी, और इसकी थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी मुझे ही, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, पता नहीं बाहर क्यों किया था। और इनका क्या सीन है, इनका ये सीन है यार, ये जो ब्लैक है ना नए वाले, इनको शायद अंडे देना है फिर से, और ये भाई ढूंढ रहा है पेटी, तो इनको करते हैं अभी बाहर। और बाकी इनका एक अंडा है, इसमें से भी भाई जल्दी बच्चा निकलेगा, नस बन रही थी, बाकी कुछ कह नहीं सकते। और इनकी नस भी यार भाई मैंने चेक की थी, नहीं अभी इनकी नस चेक नहीं की, इनकी नस भी चेक करना है, तो अभी जल्दी भाई चेक करेंगे। अभी 2 या 3 दिन हुए हैं टिप्पा, मैं कम से कम 5 दिन बाद जो नस चेक करता हूँ कि भाई अंडे में नस बन रही है नहीं बन रही। बाकी यही कुछ है लॉफ्ट में। चलिए गाइस चलते हैं लॉफ्ट के बाहर, और भाई सभी कबूतरों को दाना वगैरह भी कर दो, और मैं भेजता हूँ यार मुखी को अंदर, और फिर यार एक बार चेक करना है भाई ये खिलाएगा नहीं खिलाएगा, उसको अंदर लेगा नहीं लेगा। तो ये जा रहा है, देखना जा रहा है, चले आओ, चलो चलिए गाइस। जब तक जैसे ही वो जाएगा मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो यार अपन अपने कबूतरों को भाई दाना वगैरह कर देते हैं। गया है, अभी गया है। तो गाइस देखना भाई आप लोग, चलो भाई ले लिया अंदर, शुक्र है। नहीं तो इससे पहले मेरा एक ब्लैक मुखी था यार, उसने अपने बच्चे को भाई बाहर फेंक दिया था, 1 दिन के बच्चे को, 1 दिन भी नहीं 2 घंटे के बच्चे को। तो भाई क्या हुआ था, मैंने उसको रखा, वो फिर मार रहा था। अगले दिन मैंने जब अलग बंद किया, अलग उसने जब अंदर लिया था, तो भाई काफ़ी दिक्कत होती है, कुछ कबूतर अपने बच्चों को मारने लगते हैं। अभी तो इसने अंदर ले लिया है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। बाकी चलिए गाइस सभी कबूतरों को भाई दाना वगैरह कर देते हैं। आज तो देख सकते हो भाई सभी कबूतरों को दाना दे रहा है, दाना बच्चा। तो गाइस अभी अंडा भाई बाहर हटाने, मतलब कहीं रखने गया था, तो बता रहा है बच्चा था, लेकिन भाई उसके अंदर ठस के मर गया। मतलब कुछ बच्चे होते हैं गाइस जो अंडे के शेल से बाहर नहीं निकल आ पाते, तो गाइस वो अंदर ही भाई मर जाते हैं। तो भाई ये तो यार काफ़ी बुरी चीज़ हो गई। तो अब मैं आपको बताता हूँ गाइस अपना सेटअप कैसा होने वाला है, जो कि गाइस मेरा आज मेन मोटिव था वीडियो बनाने का। तो सबसे पहले भाई अपन क्या करेंगे, मैं सोच रहा हूँ आप लोग अगर कमेंट्स में बोलोगे कि पार्ट वाइज वीडियो बनाओ, मतलब फर्स्ट पार्ट ऐसा कि ये लाए, तो आप लोग भी ताकि आगे चल के ऐसे लॉफ बना सको, तो मैं वैसे भी बना दूंगा। तो आप लोग बोलोगे भाई एक बार में पूरा लॉफ बन जाए जब बनाना, तो वैसे चाहोगे वैसे बना दूंगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ थोड़ी थोड़ी करके बनाऊँ, ताकि आप लोग भी चाहो तो ऐसे लॉफ बना लो। तो भाई सबसे पहले हमने सोचा था कि ऐसी जाली वगैरह वाला बनाएंगे, और ऐसे एंगल लाएंगे जो कि गाइस कम से कम 10,000 का खर्चा आएगा, यहाँ से टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 फीट की गाइस ये जगह है, और ऐसे में हम बनाएंगे 6.5 फीट की, मतलब यहाँ तक, ठीक है, इस लॉफ्ट से थोड़ी सी ज़्यादा, ये यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, और गाइस इधर से लेके उस दीवार तक। तो गाइस ये टोटल आएगा भाई 10 फीट की जगह है ऐसे लंबाई में, और 6.5 फीट की जगह, तो मतलब इसमें अपन आराम से घूम फिर लिया करेंगे। और ऊंचान भी गाइस मैं सोच रहा हूँ, जैसे कि मैं 6 फीट का हूँ गाइस, तो मैं अभी आपको अपनी हाइट कैसे बताऊँ, लेकिन भाई वो इसके आसपास पहुँचेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि ईंटें रखी हैं, क्योंकि हमारे इधर भाई पानी भरता है, आपने देखा ही है व्लॉगिंग चैनल पे मैंने बताया था भाई एक बार पूरे में पानी भर गया था। तो इतना ऊंचा तो गाइस करेंगे, मतलब 4 ईंटें बोले तो यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने लॉफ्ट मतलब इसके ऊपर बनाया, तो मेरे हिसाब से भाई 6 फीट इतना होगा, देखता हूँ ना मैं, नहीं नहीं यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं बस इतना ऊँचा अपना लॉफ्ट होगा। मैं अभी आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये देखो सभी कबूतर दाना खा रहे हैं, ये अपने लॉफ्ट की हाइट है, वो लगभग खिड़की की सीध मान सकते हो गाइज आप। तो वहाँ तक का ऊंचा गाइज अपना लॉफ्ट होगा, अपन आराम से उसमें घूम फिर लिया करेंगे, और वीडियो भी और आसानी से बनेंगी, बड़ी वीडियोस में और मज़ा आएगा। और मतलब गाइज इतने छोटे लॉफ्ट में मेरे पास इतना कलेक्शन है, मेरे पास बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी में, मतलब 12-13 कितने जोड़े हैं, 12-13 जोड़े हैं। तो मैं सोच रहा था गाइज जब ये बड़ा लॉफ्ट हो जाएगा, तो मैं ऐसी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाऊंगा। तो गाइज टोटल अपना भाई इतना लॉफ्ट होगा, तो गाइज बहुत मज़ा आएगा वीडियो बनाने में भी, बस आप लोग यार सपोर्ट कर देना,
ना, क्योंकि यार अभी मेरा मतलब मेरा तो भाई यूट्यूब का काम लगा पड़ा है, ना व्यूज़ आ रहा है, और व्यूज़ नहीं आ रहा तो गाइस बिल्कुल भी मतलब रेवेन्यू नहीं बन पा रहा। तो मैंने सोचा था यार भाई अपनी तरफ से अपन बेच देते हैं, लेकिन भाई इतने छोटे लॉफ्ट में कुछ नहीं हो पाया, तो अब हमने सोचा है लॉफ्ट को बड़ा करने का। फिर देखते हैं यार गाइस, आप लोग से बस उम्मीद है कि यार आप लोग सपोर्ट दो, तो बाकी इस वीडियो पर भी सपोर्ट देना और कमेंट्स करके बताना हमने कैसा सोचा है। और एक दो चीज़ें सोची हैं, एक के लिए परमिशन लेना पड़ेगी घर पे, वैसे तो घर में परमिशन हर चीज़ की लेनी पड़ती है भले आप खुद भी बनाओ। सबसे पहले भाई हम सोच रहे हैं कि ईंटों का बना लें सीमेंटेड, जो कि आपने प्रकाश भाई लोगों के लोग देखे हैं ना जो सीमेंटेड होते हैं वैसे, उसमें फ़ायदा है गाइस, दीवार मिल जाएगी, वो वाली दीवार में थोड़ी सी आपको ईंटें उठाना पड़ेंगी और खर्चा थोड़ा कम होगा, मतलब सिर्फ इधर दीवार उठाना पड़ेगी, सामने अपन जाली लगा लेंगे। और जाली वाली में गाइस क्या होगा, सबसे पहले भाई फ्रेम बनाना पड़ेगा वैसा जिस पे लॉफ्ट रखना है, फिर उसके एंगल आएंगे, फिर जाली आएगी, तो गाइस वो फिर टीन वगैरह वो बहुत बड़ा खर्चा, वैसे दोनों में ये है लगभग थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, लेकिन हम पापा से पूछेंगे, क्योंकि दिक्कत ये है अगर ये वाला बनाया ना तो ये वाला हम आगे चल के जैसे 2 साल बाद भाई गाइस छत वत पे शिफ्ट करना पड़ा लो तो अपन इनको उठा के रख सकते हैं, लेकिन भाई सीमेंट का बना लिया ना तो उसको मतलब तोड़ना ही पड़ता है, वो किसी काम का नहीं बचता। तो बाकी देखा जाएगा गाइस, जो परमिशन मिल जाएगी अपन वो करेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करना। और ये सभी कबूतर दाना खा रहे हैं, और लॉफ्ट में जो कुछ था गाइस मैंने वो आपको बता दिया है। तो गाइस ये थी भाई आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई कमेंट्स करके बताना आपको हमारा आइडिया कैसा लगा। और इसमें गाइस 10-15-20 एक महीना तो यार कम से कम लग सकता है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ सोचा है और सिर्फ पेड़ हटाए हैं, और बाकी इस लॉफ्ट को भी यार हमें हटाना पड़ेगा। तो गाइस ये जो पूरा लॉफ्ट है ना अपना, उसको भाई हम लोग हटा देंगे, भाई 2 मिनट नल बंद कर देना। तो गाइज इसको यार पूरा हटा देंगे जब ये नया बन जाएगा तो, और इसको हुआ तो भाई सेल कर देंगे, क्योंकि किसी को चाहिए होगा, किसी को इतना बड़ा लॉफ्ट चाहिए होगा, तो गाइज जितने का लगभग भाई ये मुझे पड़ा था मैं उतने का सेल कर दूंगा अगर मेरा नया लॉफ्ट बना तो, बाकी इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा। आप लोग सपोर्ट करते रहो भाई, आज बस पापा से परमिशन और लेनी है कि भाई सीमेंट का बना लूँ, नहीं मिली तो गाइज फिर अपन एंगल का ही बनाएंगे, तो बस वेट करना गाइज इंशाल्लाह जल्द ही अपना नया लॉफ्ट बनेगा। तो गाइज मिलते हैं इसी और वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और के लॉफ्ट के अपन पार्ट भी बनाएंगे गाइस, जैसे लॉफ्ट पार्ट 1 पार्ट 2, तो ऐसे गाइस पूरे लॉफ्ट को मैं कवर करूंगा, तो मतलब हर वीडियो में गाइस उनका थोड़ा थोड़ा पार्ट आता रहेगा। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।